हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं और एक नया वीडियो के साथ। तो अभी मैं आया हूँ समंदर के किनारे बीच में, ठीक है ना गाइस। तो ये देखिए ये बीच है, अभी ज़्यादा लोग नहीं है, बस कुछ लोग बैठे हुए। रात हो गया, अभी 12:30 बज रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आया था कुछ काम के लिए, तो सोचा एक ब्लॉग भी बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है ना, और मैसेज भेज रहा है फेसबुक में, ठीक है ना। तो दुबई में आना है, दुबई में आना है, ख़ास करके मेरे गांव का लोग है, ठीक है ना, जो मेरे को जानता है, और जो कुछ यूट्यूब फ्रेंड और फेसबुक फ्रेंड है, ठीक है ना। तो सब लोग व्हाट्सअप में मैसेज कर रहे हैं बार बार, दुबई आना है, दुबई आना है, ठीक है ना। तो हमारे लिए काम देखो, डेली कोई ना कोई मैसेज भेजते ही रहता है, ठीक है ना, दुबई आने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए भी बना लेता हूँ, ठीक है ना। और मेरा जो भी दोस्त लोग मैसेज कर रहा है आप भी सुन ले, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ना, दुबई में आप लोग जैसा इंडिया में, पाकिस्तान बांग्लादेश में रहते हो, आप लोगों को लगता है यहाँ पे शायद जो भी जाता है काम मिल जाता है, बहुत अवेलेबल काम है, ठीक है ना। दुबई में काम मिलना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। सऊदी, दुबई, कतार, बहराइन, ठीक है ना, ओमान से यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है काम मिलना, ठीक है ना। यहाँ पे आसानी से काम नहीं मिलता है गाइस, ठीक है ना। बाकी कंट्री में क्या है ना, आप लोग डायरेक्ट काम लगा के जाते हो, ठीक है ना, वीज़ा लेके जाते हो। यहाँ पे क्या है ना, विजिट का सिस्टम है, इसके लिए लोग आ जाते हैं, पैसा डाल के सोचते हैं जाके कोई ना कोई तो काम मिल जाएगा, ना कुछ भी, ना कुछ भी तो काम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोच के लोग आ जाते हैं, सोचते हैं भाई कुछ भी काम कर लूँगा, छोटा हो बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर इतना लोग ज़्यादा आ गया, ठीक है ना। अभी अगर एक काम, एक वैकेंसी अगर निकलता है तो उसमें 100 लोग खड़ा है, ठीक है ना, एक वैकेंसी। आपको अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाओगे, ठीक है ना, लेबर का काम, कोई भी चीज़ का काम के लिए, ठीक है ना, इतना लोग रूम पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मतलब काम ही नहीं मिल रहा है लोगों को। लोग सोच रहे हैं कुछ भी काम मिल जाए कर लूँगा। अभी मेरा साथ में मेरा खुद साथी लोग जो लाइसेंस बना के रूम पर बैठे हुआ है, ठीक है ना, बहुत लोग, कम से कम मेरा कंपनी का 70 से 80 लोग अभी भी, ठीक है ना, 7-8 महीना हो गया हम लोग एक ही साथ में लाइसेंस बनाए थे, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का हायरिंग हुआ था, मैं और मेरा कुछ लोगों का हायरिंग हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग फ़िलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा साथ जितना भी लोगों का, बाकी लोगों का लाइसेंस बनाया है, किसी का भी हायरिंग नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना। सब लोग मतलब रूम पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, काम नहीं है। तो इधर उधर जाके कुछ ना कुछ जो भी काम मिल रहे हैं हफ्ता में 1-2 दिन कर रहे हैं, क्योंकि इधर चलना तो पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। खाने के लिए इंडियन रुपीस अगर आप पकड़ लो तो 7-8 हज़ार दिरहम चला जाता है पैकेट खर्चा लगा के, ठीक है ना, चाय नाश्ता सब कुछ लगा के। उसके बाद रहने के लिए भी यहाँ पे 6-7 हज़ार कम से कम जा रहा है, 6 से 6.5 हज़ार बेड सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे 350 का 350 मिलता है यहाँ पर, वो भी शारजा में, दुबई में और ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना महंगाई है दोस्तों, क्या बताओ आप लोगों को। आप लोग जो भी भाई आना चाह रहे हो, ठीक है ना, मेरा ये हिस्ट्री बताने का, आप लोगों को कहने का मतलब, आप लोग सोच समझ के आइए, ठीक है ना। तो मैं जो देख रहा हूँ खुद मेरा आंखों के सामने, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को पूरा हिस्ट्री बताओ, डिटेल्स बताओ, ठीक है ना। तो आप लोग सोच समझ के आएँगे, ठीक है ना, ऐसे ही आके फिर आप लोग फंस जाओगे। अगर आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, ठीक है ना, कोई फ्रेंड है, तो उनसे बात करके आप लोग उनसे जो काम है वो पक्का करके आप लोग आइए, अगर कुछ काम मिलता है तो, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग अगर मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता या कोई भी चेन्नई, कोई भी स्टेट में, इंडिया में हो, ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ पे जो ऑफिस होता है, ठीक है ना, बहुत तरह का ऑफिस होता है वहाँ पर जॉब के लिए, ठीक है ना, गल्फ का खास करके, ठीक है ना, दुबई, सऊदी, ओमान, ठीक है ना, ये सब का जो अच्छा अच्छा काम है जॉब है वो पूरा इंडिया में जाता है, उधर हायरिंग होता है, ठीक है ना। उधर वहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद वहाँ से डायरेक्ट आप फ्री में आ सकते हो, आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाओगे तो एक पैसा भी आपको खर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप पढ़ा लिखा हो, देखने में खूबसूरत हो, तो जो भी है, मतलब वो लोग को जो क्वालिटी का आदमी चाहिए, अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो आपको फ्री में लेके आ जाएंगे, खर्चा भी नहीं होगा, इधर आके आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग वहाँ पर अपने गाँव में रहिए, अपने सिटी में रहिए, और वहाँ पे इंटरव्यू देके आप लोग आइए, ठीक है ना। यहाँ पे आके आप लोग मत फंसिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हज़ारों लोग, लाखों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, काम नहीं है। अगर एक एक दो दो तीन तीन महीना बैठने के बाद किसी को काम मिल जा रहा है, वो भी मतलब मनपसंद काम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, वो मजबूरी में करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही सिस्टम है, आप लोग जहाँ पर भी है वहाँ पर रुकिए आप लोग,
वहाँ पे ऑफिस में जाइए, ठीक है ना, इंटरव्यू दीजिए, फिर वहाँ से डायरेक्ट आप लोग वीज़ा लगा के आइए, ठीक है ना। आजकल तो न्यूज़पेपर में भी देता है, जो भी वैकेंसी निकलता है वो पूरा बाहर कंट्री में चला जाता है, जैसा पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे चला जाता है, जो बड़ा बड़ा सिटी है वहाँ पे ऑफिस होता है, ठीक है ना, उधर हायरिंग चलता है, ठीक है ना, तो वहाँ से डायरेक्ट लोग बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे काम का मुश्किल है, क्योंकि बाहर से लोग आ जाते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू दे के, ठीक है ना, हमेशा फुल रहता है, ठीक है ना। जो लोग भाई लोग आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, सोचते हैं यहाँ पे जाके मैं इंटरव्यू दूंगा, तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा वही चीज़ है, आप लोग अपना सिटी में रहिए, ठीक है ना, वहाँ पे जो भी ऑफिस है आसपास में वहाँ पे जाइए, न्यूज़पेपर देखिए जॉब का, ठीक है ना, इंटरनेट में देखिए, गूगल में देखिए, ठीक है ना, आपको आप सीवी भेजिए आपका, आप जो भी काम जानते हो, ठीक है ना, उसके रिलेटेड आप सीवी बनाइए, सीवी बना के जो भी एक्सपीरियंस है वो आप डाल के फिर आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सामने वालों को आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो ज़रूर आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है ना, फ़ोन करेगा, ठीक है ना, नहीं तो वहाँ पर कोई भी ऑफिस में जाके आप इंटरव्यू दे के आ सकते हो। तो ये मेरा बताने का यही मकसद है, क्योंकि बहुत लोग मेरा सामने बैठे हुए हैं, बहुत तकलीफ में है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और दोस्तों, मेरा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना। जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, और शेयर इसके लिए आप लोग कीजिए, जो भी भाई आना चाह रहा है, ठीक है ना, तो वो अगर देखे वीडियो देख के वो सोच समझ के आए, ठीक है ना।